ऐसे करके पाएगा, ये देखो इस पे टिकली भी लगी पड़ी हुई, जल्दी निकालो है? ये भी कोई सरप्राइज है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सईद रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिल बिल व्लॉग। व्लॉग से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मार दें ताकि मेरा हर आने वाला व्लॉग आपके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचता रहे और उस व्लॉग से आप जो है वो मज़े लूटें। और तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी से बेल आइकन वाला बटन और सब्सक्राइब वाला बटन जो है वो दबा दें। तो फिर आगे जो है वो व्लॉग को हम करते हैं कंटिन्यू। आज का व्लॉग जो है वो आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही मज़ेदार और हसीन बनने वाला है। तो गाइस जुड़े रहिए व्लॉग के साथ और मैं आगे चल को जो है वो आपको बताता हूँ और व्लॉग को जो है आपको बस एंड तक देखना है। गाइस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा जो व्लॉग है वो तीन बंदों पर मुश्तमिल है। तो पहला मेरा जो व्लॉग का जो है वो जिसे कहते हैं कि फाउंडर है, वो है मेरा दोस्त हसन भाई। हसन भाई से बिल बिल, क्योंकि जो हसन भाई से जो है वो ज़रा मुलाकात कर लें, उसके बाद जो है मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाता हूँ जो कि है बहुत छोटी लेकिन उसके जो है धमाके हैं वो बहुत बड़े हैं। हसन भाई यार, जो आप बोल रहे हो ना, क्या बोला आपने फाउंडेशन वाला, तो वो आप क्रेडिट बिल को दिया करो ना, क्योंकि अभी जो नाम है ना वो तुम्हारा और मेरा नहीं है, अभी जो नाम है वो बिल का है यार चैनल पे। सईद भाई, जैसे कि फर्स्ट में जो है हमारा नाम था पहले तो हसन भाई का था जब हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, और उसके बाद जो है मैंने हसन भाई को बोला कि यार जो है वो मेहनत मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ, जो है वो वीडियो मैं भी बनाता हूँ आपके साथ, तो इसीलिए मेरा भी नाम जो है इसमें शामिल किया जाए। तो हसन भाई ने जो है वो पिक्सआर्ट और पता नहीं कौन सा ऐप इस्तेमाल करके उस पर जो है वो एक मोनो बनाया था। अब उसके बाद जो है बिल जब हमारी यूट्यूब की दुनिया में आया है और व्लॉगिंग इसने जब से ज्वाइन की है, तो हमें मुनासिब नहीं लग रहा था कि जो है वो बिल का नाम चैनल पर ना हो, तो अभी जो है वो इस बिल का ही नाम है हमारे चैनल पर। गाइस हम वो मेरा दोस्त है बिल बिल क्या हाल है? खैर सही है, आप बताओ यार। एक एक इसकी जो है वो प्रॉपर्टी बहुत ही खासियत अच्छी है, क्योंकि ये सबसे पहले जो है वो व्यूअर्स को सलाम करता है और उसके बाद जो है फिर व्लॉग को जो है वो स्टार्ट करता है। बिल भाई जी भाई, यार आज जो है वो व्लॉग किस चीज़ पर बनाया जाए और क्या तुम कंटेंट आज जो है वो व्लॉग बनाने के लिए लेकर आए हो जिससे हमारे व्यूअर्स को जो है वो मज़ा आ जाए? वैसे व्यूज़ तो बहुत कम है लेकिन व्यूअर्स बोलना पड़ता है। हाँ तो गाइस वो हसन भाई से पूछो ना, हमारा सीनियर हसन भाई है, उससे पूछो ना। यार जैसे कि हसन भाई बोलता है कि जो है वो फाउंडर तो मैं हूँ लेकिन ज़्यादा क्रेडिट आपको जाता है, आप छोटे बच्चे को, तो आप ही बताओ बस आज आपके बोलने पर जो है हम आज हमारा व्लॉग मनाया जाएगा। सोच लिया आप मुझसे पूछो। हाँ तो भाई छोड़ो व्लॉग को, मैं हसन भाई के पास यार क्यों नहीं छोड़ूं व्लॉग को, व्लॉग तो बनाना है ना। हाँ तो भाई व्लॉग का तो बता रहा हूँ ना, ये देखो ये हसन भाई के पास गाड़ी भी है और मैं एक सरप्राइज लेके आया हूँ हसन भाई के लिए। अच्छा यार, ये छोटा बच्चा क्या जो है वो सरप्राइज दे सकता है? अरे वाह यार बिल, आप मेरे लिए सरप्राइज लेके आए हो तो जल्दी जल्दी दिखाओ ना, फिर देर किस बात की है बिल। नहीं भाई अभी नहीं, अब सईद भाई देख लेगा ना, जब सईद भाई जाएगा फिर आपको दिखाऊंगा। अरे यार अभी ये कौन सी शर्त है, सईद भाई तो हमें छोड़ेगा ही नहीं, तो मतलब आप मुझे नहीं दिखाओगे? दूंगा भाई, कब अकेले में दूंगा ना, यहाँ सईद भाई है, सईद भाई देख लेगा, ये कहेगा यार मुझे दे दो ना, बस मैं ऐसे स्टाइल विस्टाइल करूँगा। यार मेन बात तो ये, सईद भाई को बाइक चलाने नहीं आती है, तो आपने पता नहीं क्या लेके आया जो मैं वो गाड़ी जब चलाऊंगा तो वो पहनूंगा। तो गाइस सईद भाई कोई बाइक नहीं चलाने आती, मुझे क्या बड़ा चलाने आती है क्या, मेरे तो ये देखो चलाने तो आती है पर संभालने नहीं आती है, ये देखो मैं इसको उठा भी नहीं सकता। यार सीधी बात करो ना कि मुझे मेरे जो है ना वो पाँव नहीं नीचे जमीन पर। यार ये डेढ़ फुटिया कहाँ से चलाएगा यह बाइक, यार बताओ अभी जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर प्रेजेंट हूँ तो तुम दिखा दो ना जो चीज़ लाए हो यार,
यार ये ऐसे तो नहीं होता ना कि सईद भाई जाएगा तो उसके बाद, पिछले व्लॉग में आपने क्या बोला था कि मेरे इस तुम्हारा और मेरा जो है वो एक अच्छा सा कांटेक्ट बन गया है अभी। सईद भाई भी यार देखिए, चलो बिल आप दिखाओ बस, हमें वेट ना करो, अगर देनी है आपको कोई चीज़ मेरे लिए लेके आयो तो जल्दी जल्दी दिखाओ ना बस। हाँ भाई दे रहा हूँ। जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। है? ये भी कोई सरप्राइज है? कौन सा सरप्राइज लेकर आया है? ये चश्मा भी कोई सरप्राइज में देने वाली चीज़ होती है? मैंने सोचा था कि आज ऐसा व्लॉग बनाऊंगा कि जो है वो मज़ा आ जाएगा, अभी मुझे पता चला कि यार तुम हमारे व्लॉग को जो है वो ख़राब कर रहे हो। यार ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है ना सईद भाई। यार तुम्हारे लिए कैसे बड़ा सरप्राइज हो गया, जबकि ये है ग्लासेस से भी बड़ा कोई सरप्राइज होता है क्या? वैसे भी कोई ये अच्छी वाली हो तो बंदा जब बाइक पे बैठे तो यार पहले ग्लासेस लगाए। आपको यहाँ की कंडीशन तो पता है, वैसे सईद भाई मैं आपको क्या बताऊँ, मट्टी भाई बहुत है बहुत है, जब कोई मशर वशर जाएगा तो ऐसे ऐसे करके पाएगा। ये देखो इस पे टिकली भी लगी पड़ी हुई है। टिकली है क्या बोलता है यार? यार वो बस आप समझ रहे हो ना, वो न्यू लेके आया है ना इसीलिए। अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम बिल भाई? ये अपने बालों को सही कर रहा हूँ। ये देखो ये दिखाई भी दे रहा है। ये सही होंगे ही नहीं तो सही क्यों कर रहे हो, फजूल में अजायब मेहनत कर रहे हो। इसके बाल हैं देखो कैसे, माशाल्लाह वीवीआईपी है। मेरे खराब है यार, मेरे देखो बाल कैसे वीवीआईपी लगे पड़े हुए हैं, अभी ना कर रहा हूँ मैं। यार ये अपने बालों को सीमेंट लगा के आता है ना, देखो अभी इधर उधर नहीं हिलेंगे, नहीं हिलेंगे। देखो मैं खुद जब तक ना हिलाऊं, अभी यहाँ पर कितनी भी जो है वो हवा चले, मेरी बाल इधर उधर नहीं होंगे। अच्छा जैसे कि आप सब लोगों को एरिया की कंडीशन मालूम है, तो इसीलिए बिलबिल ने जो है वो आज ये काम जो है वो बहुत बहुत ही अच्छा किया है। तो इसीलिए ये क्या किया, मैंने कहा ना आपको सही भाई छीन लेगा चश्मा। यार ये तुमको जो है वो सूट ही नहीं करेगा, तो हम जो है वो स्पेशल बंदे हैं, तो हमको ये जो है ना वो सूट करेगा, इसीलिए इसको जो है वो पहन लेते हैं। चल चूटा भाई, मेरा भाई जो है हसन वो भी तो पहनेगा ना, उसके साथ गाड़ी है ना। गाइस आप बिल्कुल को एक मिनट छोड़ो यार, गाइस बिल्कुल को जो है वो आप साइड पर करो और दिखाओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ इस चश्मे में, जब मैंने इसको पहना। लग रहा है भोले इस चश्मे में। यार क्या ये चश्मा टूट ना जाए, बिल तो लेके आया है, मैं तो नहीं ले रहा था अपने लिए। सईद भाई ऐसे तो ना करो यार, ये उतार के दो, इतना बड़ा मुंह है। तो गाइस आपको जैसे कि पता चल गया होगा कि ये जो है वो ग्लासेस मुझे ही प्यारे लग रहे हैं और ये मेरे लिए ही खासकर बने हैं, क्योंकि जो है वो बिल ने देना तो उसको सरप्राइज था, लेकिन जब वो उसके लिए लेकर आया, लेकिन ये जो है वो मैंने रख लिया है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो मुझे पसंद आ गई है। आप बिल का जो है मुंह देखो भाई, इसका मुंह जो ना भोला लग रहा है, इसका मुंह बहुत लंबा है इसीलिए। यार ये देख रहे हो आप इसका मिसबिहेवियर कैसा है। यार सही तो बोल रहा है सईद भाई, अभी ये उतार के दो हमें, और मैं क्योंकि बाइक तो मैं चलाऊंगा ना, मुझे ही पहननी है। तुम कुछ भी बोलो हसन भाई, मैं आपको उतार कर देने वाला बिल्कुल भी नहीं, और ये मुझसे नाराज हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं इन ग्लासेस को जो है वो बिल्कुल भी नहीं उतार सकता। नहीं सईद भाई आपने बोला, यार ये भी कोई सरप्राइज है, अभी जब बिल ने दिए हैं तो मुझे उतार के दो ना अपने। बस वो देखने के लिए कुछ करना पड़ता है ना इसीलिए। तो गाइस जैसे कि आप सब लोगों ने देखा कि बिल है कितनी उम्र में और कितना फ्रॉडी बंदा हो गया है। ये ग्लासेस सईद भाई ने मुझसे छीन लिए और हसन भाई को भी नहीं देगा। हो तो गाइस मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, और हर आने वाले व्लॉग में मेरे में जुड़िया रहिए। और इधर करते हैं हम अपना व्लॉग खत्म, मिलेंगे अगले व्लॉग में, खुदा हाफिज़।